अयोध्या में निर्माणाधीन दामपत के पास रहने वाले लोग इन दिनों पानी सप्लाई नहीं मिलने से खासे परेशान हैं। आपको बता दें कि शहर के अंगूरी बाग में खोदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन कट जाने की वजह से पिछले 3 दिनों से सप्लाई बाधित है, जिससे परेशान होकर अंगूरी बाग के निवासियों ने आज रामपथ पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि रामपथ के निर्माण में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनका जल्द समाधान कराया जाए। दरअसल रामनगरी अयोध्या में शहादतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर के रामपथ का निर्माण हो रहा है, जहां सड़क के किनारे गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिनमें पानी के पाइप कटने से कई इलाकों की पानी सप्लाई बाधित हो गई है। इतना ही नहीं, बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो रही है। वहीं जाम की समस्या से भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, जबकि पानी की पाइपलाइन कटने के बाद जल निगम की लापरवाही का आलम यह है कि पिछले 3 दिनों में पाइपलाइन भी ठीक नहीं करा सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, जनता को बहुत परेशानी हो रही है। डक खोदा, डक खोदने के बाद मोटा पाइप बीच सड़क में डाला जा रहा है, आवागमन का रास्ता एकदम बंद हो चुका है, लोग घरों में नहीं जा पा रहे हैं और घरों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे कि मट्टी कट कट के घरों की नाली में गिर। जो आपके द्वारा माध्यम से मालूम हो जाएगा और पाइप फट गई है, उसका कुछ सुनने वाला नहीं है, 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। इसकी वजह से समझिए बच्चे भी और आने जाने वाले सुविधा कितनी हो, सुविधा कितनी हो रही है, इससे गाड़ियाँ बढ़ रही है, बच्चे जो है स्कूल के बच्चे से निकल पड़े हैं, उनसे समस्याओं निकल के हम लोग बहुत परेशान हैं। और दिक्कत एक और भी है, जो पानी निकालने की कोशिश कर भी रहे हैं, एक दम निकाल दूसरी तरफ डाल रहे हैं, फिर वही समस्या खड़ी हो रही है। ये संभावना ज़्यादा है कि एक तरफ से निकाल के दूसरे तरफ। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि पानी निकाल के दे दो, कि पानी टैंकर पानी निकाल करके बाहर ले जाए, निकाल करके थोड़ा बिना डाले। दिक्कत ये है कि जल निगम के अधिकारी कोई बात सुनना नहीं चाहते हैं, चाहे कितनी कंप्लेन करो वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, और रामपथ के नाम पे अब पब्लिक को दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगी। ऊपर के अधिकारियों से, प्रशासन से सबसे अनुरोध है कि इस काम को शीघ्र कराया जाए। किस तरह की दिक्कत हो रही है? गड्ढा खोद दिए हैं, बनाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है इनके पास, पानी की समस्या, 10 दिन से पानी नहीं आ रहा, जो आ भी रहा गंदा पानी आ रहा गड्ढा खुदा होने के कारण, जगह यहाँ गाड़ियाँ पलट जा रही हैं, गाड़ियाँ 2 पलटी हैं, आप आगे जाके देख सकते हैं। हम लोग ने आंदोलन किया, घर में 3 दिन से पानी नहीं है, और फिर जो है सड़क खोद दिए हैं, अब पानी निकाल के जो है घर के नए के किनारे फेंक दे रहे हैं, जिससे कि घर गिरने की एकदम वो बनी हुई है, और घर में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, यही सब परेशानी है। तो क्या आश्वासन मिला आपको अभी? अभी हम लोग ने रोड जाम किया था, तो दरोगा जी आए, उन्होंने अधिकारियों से बात की, 2 घंटे का आश्वासन दिया कि 2 घंटे में हम पानी की व्यवस्था आप लोग के लिए कर रहे हैं।